शांत बस्नु होला। अहिले हामी लाइभ सेवा गरिराख्नुभएको छ सिने मिक्सिङ र डिप सृष्टिका प्रोप्राइटर अभेद चौधरीज्यू। आज हामीसँग क्यामेराको पनि आज व्यवस्था छ। यदि तपाईँहरू झिकझिक गर्नुहुन्छ भने हामी क्यामेरामा आज तपाईँलाई देखाउनेछौँ र रिप्ले पनि देखाउनेछौँ तपाईँलाई। तसर्थ खेलाडी साथीहरू, सभ्य खेलाडीको पालना गरेर अनुशासनको पालना गरेर खेल खेलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। र हामी देखिएको छौँ पालिम मिर्कल हलका खेलाडीहरू नयाँ जोश, नयाँ उमङ्ग र नयाँ चक्रव्यूहको साथ फिल्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र टिम कोच र टिम म्यानेजरजी पनि फिल्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। र त्यसै गरी हाम्रो नसैका खेलाडी साथीहरू पनि निकै नै अनुभवी खेलाडी नसै फिल्डमा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यस्ती शक्ति कुट कुटले भरिएको छ र अब खेल खेल्ने कसरी फाइनलमा प्रवेश गर्ने हुन्छ र अब केही क्षणभित्र उहाँहरूको खेल हामी अहिले हेर्नेछौँ। र अहिले अमित थापाको जित हुनेछ कि निरञ्जन भोलीको जित हुनेछ अब केही क्षण। अहिले फोन आएको थियो, म व्यस्त थिएँ र खाता खोल्न सफल पाली मेडिकल हल। र अहिले भेट्दै रियाजुद्दिनजी, रियाजुद्दिन भाइ साहब रेड गर्दै निकै राम्रो बेटा, हेर्नुहोस् राम्रो समय गरेका जुन हिजो क्वार्टर फाइनलमा निकै जबर देखाएका थिए फुलेको विरुद्ध सुपर रेड ल्याएका थिए यिनी र अहिले नसहीको विरुद्ध यिनी के गर्नेछन् अब हामी हेर्दैछौँ। निकै नै राम्रो तर खाली हात वापस र फेरि रेड गर्दै सलमान अन्सारीजी, उहाँ रियाजुद्दिनको भाइ हुनुहुन्छ र रेड गर्दै हुनुहुन्छ। निकै नै राम्रो रेडर, निकै नै अनुभवी रेडर दाजुभाइको आज हामी कमाल हेर्नेछौँ। एउटै टिममा, एउटा राम्रो टिममा एउटै घरको दाजुभाइ पर्नु भनेको ठुलो कुरा हो। जस्तै इन्डियाको हामी टिममा हेर्न सक्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय टिममा हार्दिक पाण्ड्या र कुणाल पाण्ड्याहरू खेल्छन्, त्यो भनेको निकै नै भाग्यको कुरा हो। नसहीको जवाब छैन, नसहीले बिस्तार बिस्तार आफ्नो पाली मेडिकल हलले। र अहिले रेड गर्दै रियाजुद्दिनजी, बहुत ही बढिया लिडर, रेड गर्दै अङ्क लाउने कोसिस रियाजुद्दिन अन्सारी। फिल्डको पूर्वतिर सुस्ता गाउँपालिका छ भने निकै राम्रो अङ्क लाउने कोसिस, राम्रो तर खाली आज बासी। अब देख्न है सेमी फाइनल में डुओ टाइगर में राम जी का कमाल क्या होगा और पाल पाली मेडिकल हॉल चांस में डांस करना सकेगी कि नहीं। और ये देखिए राम पाल पाली मेडिकल हॉल गोपीगंज 10 नंबर के खिलाड़ी निकली होनहार खिलाड़ी निकली होनहार हेर्नुहोस् होर हुना सही चार दुई दुनी चार डबल अङ्कको फरक रेड गर्दै रियाजुद्दिन भाइजान टिमको मजबुत बनाना है, फाइनल में प्रवेश करना है तो रियाजुद्दिन भाइजान खेल को रोमांचक बनाना होगा। और फिर रेड करते हुए 10 नंबर के खिलाड़ी पाल पाली मेडिकल हॉल 10 नंबर के खिलाड़ी बारंबार रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, बहुत ही बढ़िया रेडर।
रसी को छेव में जति जना दर्शक महानुभाव कृपया तपाईहरु बस्दिनु होला। पछाड़ी को दर्शक महानुभाव को निकै नै गुनासो आएको छ, सर हामी कबड्डी हेर्न पाएका छैनौं र त्यो हामीले पनि दुःख लागिरहेको छ। यदि तपाईहरु बस्दिनु भयो भने उहाँहरुले पनि खेल हेर्नु हुनेछ, उहाँहरु पनि निकै नै टाढाबाट आउनु भएको छ र सबैको कर्तव्य हो यो खेल हेर्ने। अहिले हेर्नुस् हेर्नुस् निकै नै राम्रो सात नम्बर खेलाडी अब देखना है राम जी का बार आर और पार कहेगा कि नहीं। ये देखिए रेड कर तुम्हें राम जी दू पाए करो या मरो राम जी करो या मरो। और देखिए कृपया डिस्कस मत कीजिए नीचे नहीं लम्बा कर खिलाड़ी नीचे नहीं लम्बा कर फट रहे दिए फट रहे हेनोस अहिले नसहिले कमान देखाको छ सम्मान भावहरु यहाँ हल्ला गर्दिनु होला हामीलाई गिसो भइरहेको छ। अहिले रियादी दिन जी सुपर ठेकेदार है और पार पानी भी कम नहीं है। अब सोचना पड़ेगा रियादुद्दीन जी को सुपर टेकर रन है मगर कोई कई बहुत ही धमाकेदार खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया सलमान भाईजान कमाल दिखाना होगा सलमान भाईजान। और देखिए बहुत ही बढ़िया रेडर पार पाली में मेडिकल हॉल अंक न सही सात पार पाली में मेडिकल हॉल तीन और रेड करते हुए बहुत ही बढ़िया रेडर अंक लाने की कोशिश। ये देखिए पार पाली में मेडिकल गोपीगंज पांच न सही सात दुई अंक मात्र फरक। पहले रेड करते रियाजुद्दीन जी थोड़ा सोचना होगा आपको और बहुत ही बढ़िया है। देखिए मेडिकल हॉल सात सात बराबर रामजी निके नहीं रामो रेड करते रामजी। अरे फिर रेड को क्रम में हमसे लामे रालो का हमसे अध्यक्ष भाई नर्से नौ पार पाली मेडिकल आठ राय रेड करते अग्नि वहां सुपर हिट कर वहां को लगी सौ रुपया पुरस्कार आए तो सुनो आपने अंक नौ नौ बराबर सलमान भाई निकले रामो अंक लाने कोशिश अंक लाने कोशिश रामो सलमान अंसारी अलिकति मजा आएन खेलाडी साथीहरु र खेललाई सभ्य रूपले खेल दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। रेड गर्दै सात नम्बरको खेलाडी निकै नै राम्रो रेड उहाँको लागि सबैको यहाँ पुरस्कार आइसकेको छ सुपर रेडको लागि रियाजुद्दीन जी र सबै पहिलो हातको लागि हेर्नुहोस् रियाजुद्दीनलाई हेर्नुहोस् उहाँलाई
चौदह नर्सरी चौदह पाली पाली मेडिकल हल तेरह रेड गर्दे पाली पांच निके नै राम्रो निके नै राम्रो विवेक टिमले आफ्नो कमाल देखाइरहेको छन् र कुन टिमले विजेता हासिल गर्ने हो यो खेलमा र फाइनलमा प्रवेश गर्ने हो त्यो हामीलाई थाहा छैन र यो भन्दा गएको सेमी फाइनलमा नसहीले आफ्नो अगता समय दुई मिनट मध्यान्तको लागि समय दुई मिनट निके नै राम्रो गर्दै जब भनिन्छ जब नसी टिमबाट रिया गिबिन भाइजानले जब कमाल देखाउनुहुन्छ अनि नसी अगाडि बढ्न थाल्छ र उहाँको कमालले गर्दा अहिले नसीले चार अङ्कको अग्रता लिएको छ र निकै नै सुस्त गतिमा रेड गर्दै समय मध्यान्तरको लागि एक मिनट मात्र बाँकी र अहिले रेड गर्दै निकै नै लम्बा गतिको खेलाडी अब आफ्नो लम्बाइको फाइदा उठाउँछन् कि छन् सक्दैनन् और आए हैं समान अंसारी भाईजान रेप करते हुए अपने टीम के लिए अंक तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनल में प्रवेश करना है। दस नंबर के खिलाड़ी बहुत ही बना खिलाड़ी रेप करते हुए नशे के कोर्ट में बहुत ही जाने माने खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया रेप खिलाड़ी की कोशिश रियाजुद्दीन जी सोचने में बाध्य हो गए हैं कैसे करना है कौन सी रणनीति अपनाना है फाइनल तो खेलना ही होगा और देखिए ये सब खिलाड़ी का पहचान बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी पिंटू पिंटू दुसा और वहां के लिए सुपर रेट में दो सौ रुपया पुरस्कार आ चुका है विवेक गुप्ता जी की तरफ से और देखिए बहुत ही बढ़िया रेडर रियाजुद्दीन जी बारंबार रेड कर रहे हैं रियाजुद्दीन जी बारंबार रेड कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कि यदि यदि हम 46 और 45 17 चार अंक की फरक और रेड करते हुए पिंटू पिंटू जी रेड करते हुए बहुत ही बढ़िया अंक लाने की कोशिश को रोमांच बनाना ही होगा और तो रेड करते हुए रियाजुद्दीन जी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी और अपने टीम में लगातार अंक ले रहे हैं सबसे ज्यादा अंक लाने वाला खिलाड़ी ये है रियाजुद्दीन जी भाईजान और रेड करते हुए बहुत ही बढ़िया रेड बहुत ही बढ़िया रेड बहुत ही बढ़िया अंक लाने की कोशिश बारंबार कोशिश मगर देखिए न कहीं का कोई विकल सत्र भाईजान रेड करते हुए बहुत ही बढ़िया रेडर अंक लाने की कोशिश बहुत ही बढ़िया अंक लाने की कोशिश बारंबार कोशिश में कोशिश
मगर खालिया वापस। और अब आगे बहुत ही धुरंधर रेडर 10 नंबर के बहुत ही धुरंधर रेडर और उनके टी शर्ट में लिखा है अजय थारू, बहुत ही धुरंधर पाल पाली मेडिकल हॉल गोपीगंज के। और बच्चे अपने छात्र दूर होता है अंसारी जी के लिए, रियाजुद्दीन जी के लिए टू और टाइगर। अब देखना है रियाजुद्दीन जी, रियाजुद्दीन को देखना है और देखिए रियाजुद्दीन टू और टाइगर। 5 नंबर के खिलाड़ी आए हैं, समय खेल समाप्ति के लिए 10 मिनट बाकी। और 5 नंबर खिलाड़ी देखिए बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया रेप करते हुए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अंक लाने की कोशिश में रहा। देखिए 31 और पालपाली मेडिकल हॉल 17 और रेड के क्रम में रियाजुद्दीन, जिसका कोई जवाब ही नहीं, जिसका कोई जवाब ही नहीं, उसका नाम है रियाजुद्दीन भाईजान, बहुत ही बढ़िया रेड करते हुए। और आए हैं फिर देखिए 3 नंबर के खिलाड़ी, बहुत ही लंबे कद के खिलाड़ी। और देखिए लंबाई के फायदा उठाने की कोशिश प्रतिशत करें। अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन हम लोग बोधघाट नगर पालिका का उप मेयर माया देवी पौड़ी जिले में अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन हम लोग हार्दिक अनुरोध करते हैं। प्रतिशत करें गेट मार ठाउं छोटी मोरा प्रतिशत करें अतिथि को आसन ग्रहण कर दिन हम लोग लगे हमारा युवा समाज सेवी रोशन ज्योति इंग्लिश स्कूल का प्रोप्राइटर मिस्टर रोहित गौर जी लग पड़ी माँ अतिथि ने और देखिए रियाजुद्दीन ने अंक और देखिए आए हैं निरंजन जी, निरंजन जी आए हैं रेप के लिए। देखिए अपना जवाब दिखाएंगे नहीं, बहुत ही जबरदस्त रेडर हैं और विगत समय में बहुत ही जवाब दिखाए हैं इस कबड्डी हम में। और फिर देखिए रेड करते हुए बहुत ही बढ़िया 9 नंबर पे मगर रियाजुद्दीन सुपर टेकर आ रहे हैं, सुपर टेकर आ और देखिए रियाजुद्दीन नर्सरी के टीम आतिश और पालपाली मेडिकल हॉल को एक अंक लाने के लिए अभी लोहा के चना चबाने हो गए। मेरे अभी वही है पालपाली मेडिकल हॉल के खाते में और रेड करते हुए रियाजुद्दीन भाईजान लगातार रेड करे अंक पे अंक ले रहे हैं अपने टीम के लिए। रियाजुद्दीन जी इनका कोई जवाब ही नहीं है। राजा आकाश निकली निकली होना खिलाड़ी 4 नंबर दो टाइम तारा है न सही को ज्यादा का उठने से बिना अभी मेडिकल हॉल के संग खेलने था रा हारे को टीम थर्ड को लगी र संतानों को लगी पीपर ये संग खेलने था राजे रेड करते शमान अंसारी निकली राम्रो रेडर र खाली हात वापस र अहिले फेरि रेडको क्रममा 5 नम्बरको खेलाडी निकै नै अनुभवी खेलाडी रेड गर्दै राम्रो रेड समय 5 मिनट खेल समाप्तिको लागि समय 5 मिनट रहेको र यो दुई अटाइले दुई अटाइ ओ फिर आ गए हैं रियाजुद्दीन भाई अभी 10 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी बहुत ही धमाकेदार रेडर बहुत ही बढ़िया रेड करते हुए नर्सिंग के कोर्ट में बहुत ही बढ़िया मगर खाली हाथ वापस संतुष्टि प्राप्त। और इसी तरह इसको नर्सिंग 40 पालपाली मेडिकल हॉल 19 नर्सिंग ने अहिले निकै नै फराकिलो अङ्क अग्रता लिएको छ र रेड गर्दै मेडिकल हल पाली मेडिकल हल 4 नम्बरको खेलाडी निकै नै राम्रो रेड गर्छ नर्सिंग 40 20 दुनी 40 अहिले डबल अङ्क फरक भएको छ। अब
यदि फाइनल में प्रवेश करने अब तर पाली मेडिकल हल का खिलाड़ी और तर पाली को यदि फाइनल में प्रवेश करना है तो अब जागना होगा बहुत से में अब जागना होगा तर पाली को एक दस नंबरी को जागना होगा और दो तीन सौ पचहत्तर बहुत ही होनहार खिलाड़ी देखिए दू और टाइगर में करो या मरो बहुत ही बढ़िया रे अंक लाने की कोशिश और देखिए बहुत ही बढ़िया दू और टाइगर थे ये आनु भाई पचा पिंटू जी सात नंबर के खिलाड़ी और सुपर टेकअप आम छैले अहिले सुपर टेकअप न छैले चांस में डांस गर्न सक्दैन कि सक्दैन र सात नंबर को खिलाड़ी पिंटू जी मगर कोई कामयाब नहीं खाली आप वापस मुझे नहीं अनुभवी खिलाड़ी अमित थापा जी हरेक खेल में राम्रो प्रदर्शन गर्ने खिलाड़ी अरे वेट गर्दै हुनुहुन्छ बाबु अब तो पाल पाली को कुछ सोचना ही होगा पाल पाली को कुछ सोचना पड़ेगा फाइनल में प्रवेश करने के लिए अब पाल पाली को लोहे की चना चलाने ही पड़ेगी और रेड करते हुए दस नंबर खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया रेड अंक लाने की कोशिश और देखिए जवाब नहीं है नशे